तो अब आपको सुनवाते हैं यहाँ पर सीधा लाइव प्रसारण। दीप प्रज्वलित जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। एनडीटीवी मराठी का ये पहला कॉन्क्लेव है जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस कॉन्क्लेव में महाराष्ट्र के राजनीतिक दिग्गज जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें इस कार्यक्रम का मकसद राज्य के मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करना है और महाराष्ट्र की जनता को महत्वपूर्ण विषयों पर चुनाव से ठीक पहले जागरूक करना है। तो जो नीति निर्माता है राज्य के वो भी यहाँ पर शामिल होंगे, जो विपक्ष है वो भी यहाँ पर मंच पर मौजूद होगा ताकि अपनी अपनी बातें जो हैं वो यहाँ पर रखी जा सके और जनता जो है इस विचार विमर्श से लाभान्वित हो सके, जागरूक हो सके। संजय सराना विनंती की तनी तनसा मनोगत व्यक्त करा। आप सबों को बहुत नमस्कार। संडे के दिन आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए एनडीटीवी मराठी के जाहिरनामा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सबसे बड़ा स्वागत और सबसे बड़ा धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का। जितने वो व्यस्त हैं उसमें हमारे लिए आज के दिन समय निकालना ये बहुत बड़ा आपकी उदारता है, जेनरोसिटी है हमारे लिए, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत में कई औपचारिक बातें कही जाती हैं और मैं बिना स्क्रिप्ट के बात करता हूं तो मेरे पास कोई तैयारी है नहीं, लेकिन कई बार लोगों से जब बात करता हूं तो सुनता हूं तो महाराष्ट्र के बारे में कोई बात हो तो वो आपको प्रैक्टिकली मुख्यमंत्री मान के चलते हैं। एक ये समस्या है। दूसरी समस्या जो है, या कहिए कि जो दूसरा एक विचार है जिस पर लोग बहुत बात करते हैं और ध्यान देते हैं, कि आप देखें कि शरद पवार का जो स्वर्ण काल कहिए करियर का वो जो रहा, उसके बाद पार्टी लड़ाइयाँ मुकाबले से उठ करके अगर कोई एक नया नेता महाराष्ट्र में अक्रॉस पार्टी लाइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर होकर के सामने आया है तो वो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखेंगे, जहाँ की रीजन के ऊपर अलग अलग जो कैटेगरीज और क्लासेस होते हैं उसके ऊपर ये एक बड़ा परिवर्तन है और आप वास्तव में बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में उभर करके आए हैं। अब आपके सामने चुनौती बहुत बड़ी है और उस चुनौती में हमको ये लगता है कि नेता हो, चाहे हम लोग जो चुनाव का एनालिसिस करते हैं दोनों को, ऐसा रेयर चुनाव, हम हर चुनाव को कहते हैं ऐतिहासिक है, रेयर है, लेकिन भारत के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए, मीडिया के लिए इससे ज़्यादा जटिल, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चुनाव हो नहीं सकता। इसकी चर्चा जाहिर है कि इंटरव्यू में हम जब करेंगे तो फडणवीस साहब काफ़ी कुछ इस पर जानकारी देंगे और हम उसको सुनने के लिए आतुर हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ देवेंद्र जी को, खास तौर पे उन्होंने हमारे चैनल का उद्घाटन भी किया था। हम बिल्कुल नए चैनल हैं, मुश्किल से 5 महीने हुए हैं, उसमें शोरगुल के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका सहयोग, ब्लेसिंग, आशीर्वाद हमेशा चाहिए होगा और ऐसी जो शिरकत होती है, ऐसी जो बातचीत होती है, इससे हमको बड़ा बल मिलता है। एनडीटीवी जब हमने शुरू किया काम नई कंपनी के साथ तो 2 चैनल का प्रोडक्ट था, अब हम 6 चैनल हो गए हैं और नया चैनल एनडीटीवी मराठी के बाद एनडीटीवी वर्ल्ड, जो दुनिया भर में 60 से ज़्यादा देशों में जाता है, वो अब एनडीटीवी वर्ल्ड के नाम से जाना जाएगा, जिसका उद्घाटन, जिसका लॉन्च अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 अक्टूबर को दिल्ली में किया था। तो ये हमारा एक प्रयास है कि एनडीटीवी भारत की वास्तविक और एक बड़ी आवाज़ बने। आपको बस ये भी बताना है कि ये कार्यक्रम आपका समय की स्वीकृति मिलने के बाद हमने बिल्कुल 4 दिन के अंदर प्लान किया है, इसलिए अपना परिचय अपनी टीम से कराना चाहूँगा। विनोद, राहुल, नियति, श्रीरंग, रौनक, आप लोग एक बार खड़े हो जाएं। ये हमारी एनडीटीवी मराठी को चलाने वाली टीम है जिन्होंने इस कार्यक्रम को 4 दिन के अंदर डिलीवर किया है। बिल्कुल ही एबनॉर्मल समय टाइमलाइन था, लेकिन बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन है और सफल इसलिए है कि देवेंद्र जी आ गए हैं। आपका इस समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।